ऐसे लोगों को तो सल्यूट है ही, ये लोग तो आगे कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे ही करके कहते हैं ना, दूसरे की भाषा में अगर आप गीत गाओ तो दूसरों के पास पहुंचते हैं। हेलो दोस्तों, आ गया हूँ नए वीडियो के साथ आपके सामने। तो बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज एक नए वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक जो बॉलीवुड का एक बहुत अच्छे फेमस आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे जो गीत गाते हैं, जिनका नाम आपने सुना होगा और जिनके सॉन्ग्स भी शायद सुने होंगे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर्स भी हुए हैं उनके सॉन्ग। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पेपन के बारे में। पेपन बहुत अच्छे, बहुत प्रभावशाली और बहुत अच्छे आज के समय के बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो बेसिकली जो रहने वाले हैं वो असम के रहने वाले हैं और इनके गीत में आपको कहीं ना कहीं जो पहाड़ी कल्चर और पहाड़ी मिट्टी की खुशबू सुनाई देगी आप। और मैं बता दूं कि इन्होंने काफ़ी सारे जो गीत हैं वो हिंदी में, रीजनल भाषाओं में काफ़ी सारे गीत गाए हैं। आसामी हो गए, बंगाली हो गए और मराठी हो गए, और हिंदी तो मेन था ही, तो कई सारे ऐसे भाषाओं में इन्होंने गीत गाया है। तो बस अभी फ़िलहाल जो है ना, इन्होंने ऐसा गीत गा करके लोगों को प्रभावित कर दिया और बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए हैं। इन्होंने जो एक बहुत अच्छा गीत गाया है, खैर इनकी जो ये जो गीत है वो बहुत शायद पुराना भी हो सकता है, मैंने सुना नहीं था, बट जब मैंने देखा तो मुझे अच्छा भी लगा और बहुत अच्छे लिरिक्स है। हालांकि जो ये सॉन्ग था दोस्तों, ये बहुत अच्छा जो सॉन्ग था, इन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट करके एक फेस्टिवल होता है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में इन्होंने गीत गाया है। और नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे लोग हैं जो दोस्तों, मैं बता दूँ वहाँ पर आपको नेपाली भाषा बोलने वाले और नेपाली भाषी आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इनकी जो प्रसिद्धि है वो सिर्फ इंडिया में ना हो करके नेपाल में भी है, और बहुत अच्छे गीत इन्होंने कई सारी भाषाओं में गाए हैं। पर जो सूट इनकी आवाज़ को, जो इनकी आवाज़ का जो सूट है जो नेपाली भाषा में हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। आप चाहें तो देख सकते हैं उस गीत को, आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही करके जो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा, बहुत कहें कि रोमांचक है, और ये गीत जो है आप अपने लेवल पे भी सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी थोड़ा देख रहा हूँ और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे लिरिक्स हैं उसके, उसका जो आप कह सकते हैं कि जो उसका संदेश है बहुत अच्छा है। गाय चरू राय को बनमा मो फूले मालती फूले मां, गाय चरू राजा को बनमा मो फूले मालती फूले मां, पोखरा को बोजार नाम उठा साक पोखरा को बोजार नाम उठा साक पोरे होला चमर होला तीव्र माया लाग पोरे होला चमर होला तीव्र माया लाग गाय चरू राजा को बनमा मो फूले। खैर उन्होंने कुछ स्टोरी भी कही थी कि गाने से पहले उन्होंने कहा, मतलब इस प्रकार इस अंदाज में गा रहे थे कि अलग अलग भाषाओं का गीत लेते हुए उन्होंने बताया कि मैं यहाँ निकला, इस इलाके में गया, फिर जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया, फिर वहाँ पे इस प्रकार का गाना गाया था, ऐसा करके वो गाना गाते भी जा रहे हैं और बता भी रहे हैं। फिर सडनली उन्होंने बोला कि पास में ही नेपाल है, नेपाल के अंदर जाओ, तो फिर उन्होंने वो गीत गाया। तो मतलब उनका जो स्टाइल था वो बहुत लाजवाब था, बहुत अच्छा था। और पेपन सिंगर जी जो हैं, इन्होंने बहुत सारे गाने अच्छे अच्छे फिल्म में गाए, जैसे आप बर्फ़ी पिक्चर देख लें, बर्फ़ी पिक्चर में उन्होंने गाने गाए हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी बड़े बजट की पिक्चर्स में इन्होंने गीत गाए हैं। तो ऐसे लोगों को तो सल्यूट है ही, ये लोग तो आगे कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे ही करके कहते हैं ना, दूसरे की भाषा में अगर आप गीत गाओ तो दूसरों के पास पहुँचते हैं। और उसी प्रकार से जो इन्होंने ये गीत गा करके नेपाली भाइयों के जो दिल में जगह बनाने की कोशिश की है, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कोशिश है। और इसी प्रकार की कोशिश नेपाल की तरफ से भी होती है, उसके संदर्भ में भी आपसे धीरे धीरे बात करता रहूँगा। और पेपन जी को मेरी तरफ से बहुत बधाई कि उन्होंने ये नेपाली गीत गाया और
ऐसी करके वो गीत गाते रहे और नेपाल और भारत के संबंध हमेशा अच्छे होते रहे। दोस्तों मैं चाहूँगा इस वीडियो को आगे तक शेयर जरूर कीजिएगा कि लोगों तक ये सारी जानकारी पहुँचती रहनी चाहिए और इसमें आपका योगदान होना बहुत आवश्यक है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलूंगा इस प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।